दोस्तों हमें कुछ करना चाहिए, सिर्फ टीवी देखकर टाइम वेस्ट हो रहा है। हा? मैंने रिसर्च किया है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। बोलो क्या करूं तुम्हारे लिए? वाह हनी, थैंक यू, लेकिन मेरे लिए अभी कोई काम नहीं करना है, बाद में बताऊंगा। मेरे लिए ब्रेड में जैम लगा कर दे और बनी के जूते पॉलिश कर दे। ठीक है। ब्रेड पॉलिश करनी है। और जूतों में जैम लगाना है। अनी, तूने दोनों काम मिक्स कर दिए यार। मत समझाओ इसे, इसके दिमाग में भूसा भरा है। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पाव कूल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। किसने यह भूसा कहा क्या? अरे वो भूसा हमें इतना पसंद है कि सुबह हम भूसा रोल, नाश्ते में भूसा ऑन द रॉक और ब्रेकफास्ट में भूसा बिरयानी खाते हैं। अरे नाश्ता और ब्रेकफास्ट दोनों सेम होते हैं, सुबह के टाइम ही। जी माफ करना, लेकिन शायद भूसा खाते खाते हमारा दिमाग भी भूसे जैसा ही हो गया है। अरे हो कौन आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? और किससे पूछ कर आए? और जवाब एक नहीं दिया, सवाल हजार पूछ लिए। अरे तुम्हें चाटा मार के जेल चला जाऊंगा। इंस्पेक्टर पांडा भी तुमसे कम सवाल पूछते हैं। शांत हो जा पोपट, आप लोग कौन हैं? अजी वो क्या है कि हम आपके पड़ोसी हैं ना जी। और बगल में ही रहते हैं। और साइड में ही रहते हैं। और पास में ही रहते हैं। अरे बस भी कर जिंदा क्वेश्चन मार, और यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। अब वो आपके पास थोड़ी सी शक्कर मिलेगी, थोड़ी चाय पत्ती मिलेगी और थोड़ा दूध मिलेगा। ये सब ले जाकर कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यहीं पर चाय पीजिए ना, आप हमारे मेहमान हैं। बढ़िया, यहीं चाय पीकर जाएंगे। और आप हमें मेहमान नहीं, अपने घर का सदस्य ही मानिए। हम तो इसे अपना ही घर मानते हैं। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? जाइए, जाकर चिप्स और वेफर ले आइए, जाइए। मेहमान है, लेकर आना चाहिए। जी मैं कब धो देता हूँ? अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, कप मैं धो दूंगा। ये तो आपके कप के साथ हमारे बर्तन भी धोने वाले थे। हमारे घर में पानी नहीं है ना। और अब धो ही रहे हैं तो साथ में हमारे घर के बर्तन भी धो दीजिए। अरे भाई साहब, आपके कपड़े गीले हो गए। और कपड़े वेट हो गए। और पानी हो गए। और अरे तुमने हमको ही धो दिया। अरे यार अब हमको अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। Oh.
कौन सी बटन दबा दी? अरे मशीन तो ओवरलोड हो गई है। पड़ोसी धर्म कितने अच्छे से निभाते हो तुम। और हम जहाँ पहले रहते थे हमारे पड़ोसी हमसे मिलने ही नहीं आते थे। अजय हम रहते ही जंगल में थे, हमारे अलावा कोई नहीं रहता था। और सन्नाटा रहता था। और बहुत अकेलापन था। और क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या रिक्शा? हनी ये मेहमान है, जंगल में अकेले थे। और कुछ चाहिए आपको? ओ मेरा फोन खराब हो गया है, किसी को लगता नहीं है। आपका फोन मिलेगा? लगा आपको? लगा। अरे वाह वाह वाह, आपका फोन तो लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। और टोस्टर है घर में, मुझे ब्रेड टोस्ट करनी है। ओ गुरु, फटा दूध दर्जी नहीं सिलेगा, मेरा राशन खत्म है, कुछ खाने को मिलेगा? ओहो, फूल था गुलाब का, धूप में खिल गया। यहाँ तो ऑर्डर करने से पहले ही खाने को मिल गया। ठोको ताली। अजय कितना घर फैला के रखते हो आप लोग, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखो यार। सुनिए, इतना सब कुछ आपने ही फैलाया है, अब आपको साफ सफाई करने में हमारी मदद करनी होगी। कोई शक? और हेल्प करनी चाहिए। और सहायता करनी चाहिए। और अरे रहने दो, हम खुद कर लेंगे। ओ गुरु, कल क्या करना है मैंने नहीं सोचा, सफाई करनी है, मिलेगा झाड़ू पोछा? न साहब, थोड़ी देर में ले जाइए, अभी हमें सफाई करनी है, कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने घर तहस नहस कर दिया। ओए गुरु, कहीं वो मेहमान भैंस और भैंसिया तो नहीं थे? हाँ वही दोनों थे, आपको कैसे पता? वो सुबह आज दोनों मेरे घर आकर मेरे घर को कचरा घर बना गए हैं। यार ये मेहमान है या शैतान, सुबह इनके घर अभी हमारे घर, कल किसी और के घर जाएंगे, इन्हें अच्छा मेहमान बनना सिखाना पड़ेगा। मेहमान बनाने वाला स्कूल खोलेंगे छोटे भाई? नहीं, उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाएंगे। आइडिया। और तुम लोग ऐसे अंदर कैसे आ गए? हम मेहमान है ना, अपना घर समझ के अंदर आ गए। इनका घर तो बहुत फैला हुआ है, साफ कर देते हैं। जी कितने अच्छे हो आप लोग। टीवी गंदा है, लैपटॉप गंदा है, फोन गंदा है, सब वॉशिंग मशीन में डालकर धो देते हैं। बोलो डाल दे, आपका फोन साफ हो जाएगा तो फिर अच्छे से लगेगा। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, डालना। घर का डिजाइन भी अच्छा नहीं है, चेंज कर दे। पूछने की जरूरत नहीं है, हम आखिर इनके मेहमान जो हैं, अपना ही घर समझो। झूमर हटाकर वहाँ बेड लगा दो, फिर अलमारी हटाकर उस जगह पर बेड खड़ा कर दो, सोएंगे तो पता नहीं चलेगा। सोते सोते खड़े हैं या खड़े खड़े सोए हैं, बोलो कर दे। अरे नहीं नहीं करना। दोस्तों भूख लगी है। हाँ हाँ चलो। Oh!
अरे मेहमान मत करो परेशान, मेहमान ऐसे थोड़ी ना करते हैं, मेहमान के कुछ कायदे उसूल होते हैं और जिम्मेदारियाँ होती है और एटिकेट्स होते हैं। अपने घर पे बात आई तो मेहमानों को एटिकेट सिखा रहे हो और आप दूसरों के घर पर अपनी मनमर्जी करते हो, उसका क्या? जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेहमान को क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता था, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये आपने बता दिया है, तुम भी तो कुछ बोलो। और हम मेहमान होने का फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि अच्छे पड़ोसी बनके सबकी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। और हमारे लिए रोज 100 बर्गर और 200 पिज्जा भी लाने पड़ेंगे। 100 बर्गर और 200 पिज्जा? अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक करने से मेहमान हंसते रहते हैं। हाँ।